to another video in this video we are going to discuss a very important topic which is the difference between prose and poetry and sorry we also first take a look what is prose what is poetry and what are the difference between prose and poetry and we will also have a look that what are the teaching method of this both prose prose and poetry and what are the difference in teaching method of prose and poetry guys this is a really important question as per as your B.A. first year exams concern definitely you will get one questions on this video i mean by this video seriously on this topic i mean to say this point is really important you can't escape it okay so let's begin the topic with what is prose first okay okay so the word prose comes from the latin prosa oratio or which means uh, straightforward. दैट्स वाई यू कैन सी द प्रोज आर रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ लिटरेचर्स प्रोज में ना प्रोज में मतलब प्रोज का मतलब यू नो द प्रोज एक होती है पोइट्री और एक होती है प्रोज तो प्रोज में आप देखेंगे यू विल सी द इन द प्रोज देर आर अ रियली स्ट्रेट फारवर्ड रिट इन द प्रोज यू विल फाइंड सो मैनी पैराग्राफ्स सेंटेंस सो दीज आर अ प्रोज उसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉर्वर्ड लिखा होता है पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज़ बात की जाती है उसमें आप ऐसे किस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे यू राइट ऐसे इन अ प्रोज फॉर्म राइट तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है क्योंकि द प्रोस कम्स फ्रॉम द लैटिन प्रोज़ा और रेशियो व्हिच मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रोस इज रिटेन इन वर्ड्स ऑब्वियसली फ्रेजेस सेंटेंसेस पैराग्राफ्स एंड चैप्टर्स तो प्रोस किस में लिखे होते हैं वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस में पैराग्राफ्स में और चैप्टर्स में और देखिए प्रोस के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं इट कंसिस्ट और इट यूटिलाइज Punctuations. You must find the punctuations like a double inverted comma, a full stop, or exclamation marks. So, definitely, you'll find some punctuations, grammar, and vocabulary to develop its message. If you want to say something in a prose form, you have to use punctuations, grammar, vocabulary to develop your message. टू ट्रांसफर यूर मैसेज गेटिंग अ नाट मतलब अगर प्रोज की बात करें तो उसमें ये चीज़ें कंसिस्ट करती हैं पंक्चुएशंस ग्रामर वकैबलरीज ठीक है अब देखिए प्रोज के बारे में आ, बाई कॉलरिड्स ने क्या कहा था इन्होंने कहा था प्रोज इज़ अ वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर प्रोज इज द वर्ड इन देअर बेस्ट ऑर्डर इसको आप याद रखिए लेस्ट मूव टूअर्ड द पोएट्री अब सिमिलर इसके ऑपोजिट होता है पोइट्री पोट्री में क्या होता है पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वे अ थाट याद रखिए दैट कन्वे अ अ अ डिस्क्राइब सेंस और टेल स्टोरी ये तीन चीजें यहां पे बात कही क्या पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कन्वे अ थॉट अपने विचारों को कन्वे करता है अथवा एक सेंस को एक चीज को एक दृश्य का डिस्क्राइब करता है और एक स्टोरी बताता है किस में बताता है इन इनकन्टेड लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड वहाँ पे देखिए प्रोज में क्या था भाई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड था यहाँ पे लिरिकल था मतलब एक लिरिक्स की तरह से लिखे जाते हैं पोएट्री ठीक है चीज़ें समझ में आ रही है फिर से पढ़ते हैं पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट दैट कन्वे थाट डिस्क्राइब सेंस और टेल ए स्टोरी इन कंसनट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड था यहाँ पर लिरिकल था लिरिक्स के फॉर्म में वर्ड्स लिखे जाते हैं कि इसमें पोएट्री में अब देखिए इन पोएट्री वर्ड्स आर स्ट्रांग टूगेदर टू फॉर्म अ साउंड इमेज इमेजनिंग इमेजिनेशंस एंड आइडिया दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्सट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जो पोएट्री लिखी होती है ना उसकी कंस्ट्रक्शंस कम्प्लेक्स हो सकती है जिसको आसानी से आप व्याख्या नहीं कर सकते पोएट्री का जो फॉर्म होता है ना वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है इसी चुके और वो एक साथ जुड़े होते हैं एक साउंड्स एक एक आदर्श मतलब एक विचार या एक इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ें समझ में आ रही इन द पोएट्री द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग टूगेदर टू फॉर्म साउंड्स इमेज एंड आइडिया एंड दैट माइड बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्सट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली अभी आगे चीजें और क्लियर होंगी जब हम डिफरेंस देखेंगे तो, तो देखिए पोएट्री के बारे में अर, आ, क्या कहा था पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और थॉमस और हार्डी ने कहा था पोएट्री इज द इमोशंस पुट इन द मेजर ठीक है तो ये दो फ्रो नीचे याद करिए अब मजे की बात देखिए अगर मान लीजिए सवाल आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री ठीक है अगर आपसे सवाल ये पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड ऑफ प्रोज एंड पोएट्री ठीक है कुछ भी सवाल पूछ सकता है चाहे वो प्रोज एंड पोएट्री में पूछ दे मोस्टली चांस ये है कि आपसे सवाल ये पूछे क्या पूछे भाई कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री मतलब टीचिंग डिफरेंस ठीक है उससे पहले जान जाइए कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं ठीक है थीके? तो देखिए चाहे प्रोज हो या पोएट्री हो कुछ ऐसे टीचिंग मेथड है जो कॉमन है जैसे लेक्चर मेथड कॉम्प्रहेंसिव मेथड जिसे क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं और रिव्यू मेथड और मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड तो ये दोनों में चाहे वो प्रोज की बात करें या फिर पोएट्री की बात करें दोनों में ये चीज़ें क्या है भाई कॉमन है कौन कौन से लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि इसमें क्या होता है क्लासरूम में टीचर आके लेक्चर देते हैं ठीक है लेक्चर मेथड पे स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है आप उसको देख लेंगे मगर हाँ सिंपली समझिए कि लेक्चर मेथड का मतलब ये होता है कि क्लास में टीचर आके लेक्चर के रूप में पढ़ाता है क्वेश्चन आंसर का मतलब कॉम्प्रहेंशन मतलब समझाता है और साथ ही साथ बच्चों से क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे जवाब देंगे इस तरीके से सीखेगा और रिव्यू कर मतलब रिव्यू करके जो भी चैप्टर है उसके बारे में रिव्यू करके उसके बारे में बता के उसकी अच्छाई बुराई बता के बच्चों पे छोड़ देगा बच्चे स्वयं से पढ़ेंगे एंड मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड चीज़ों को मीनिंग वाइज समझा के बच्चों को पढ़ाया जाता है अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में ये जो दो मेथड ऑफ टीचिंग है वो चारों ये दोनों में कॉमन है प्रोज में भी और पोएट्री में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है थोड़ा सा डिफरेंस क्या है तो ग्रामर में देखिए सॉरी uh, प्रोज में ग्रामर मेथड का यूज किया जाता है जबकि पोएट्री में सॉन्ग या रिदम मेथड का यूज किया जाता है तो बस ये नाम याद रखिए देखिए डेफिनेटली इतना आपसे सिंपल क्या सवाल पूछ सकता है कि व्हाट आर द टीचिंग मेथड ऑफ प्रोज या फिर ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द टीचिंग मेथड ऑफ पोएट्री ठीक है तो अगर ये पूछता है और तो उसके बाद पूछेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दैम तो आप ये पॉइंट लिखिए और किसी एक को एक्सप्लेन कर दीजिए मोस्टली आप लेक्चर मेथड को एक्सप्लेन करेगा ठीक है या फिर सिंपल आपसे ये सवाल पूछ देगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग प्रोज एंड टीचिंग पोएट्री चीजें समझ में आ रही कि नहीं अगर इन दोनों के टीचिंग में डिफरेंस पूछ देगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग प्रोज एंड टीचिंग पोएट्री तो आइए उस चीज को यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए टीचिंग प्रोज और टीचिंग पोएट्री में सबसे पहले आप मीनिंग लिखिए मीनिंग क्या होता है भाई कि प्रोज इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर वेअर इन द ऑथर एक्सप्रेस हिज थाट एंड फीलिंग इन अ ल्यूसिड फॉर्म ल्यूसिड मतलब डायरेक्ट वे में ठीक है स्पष्ट वे में ल्यूसिड मतलब स्पष्ट वे में तो प्रोज इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर वेयर वेयर इन द ऑथर द ऑथर यहाँ पे ऑथर है द ऑथर एक्सप्रेस हिज था एंड फीलिंग इन द ल्यूसिड वे मतलब स्पष्ट रूप से पोएट्री में क्या हो गई इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग फॉर्म ऑफ पोएट्री द पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर इन विच द पोएट यूज अ यूनिक स्टाइल एंड रिदम समझ में आ रही है यहां पे ऑथर है यहां पे पोएट है यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहां पे क्या है यूनिक स्टाइल है ठीक है यहाँ पे लूसिड वे है और यहाँ पे क्या है राइम वे रिदिम वे है समझ में आ रही बात है ठीक है चीज़ें समझ में लैंग्वेज कौन सा है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज और इसमें क्या होता है भाई एक्सप्रेसिव और डेकोरेटिव जो लैंग्वेज यूज होता है ना वो डेकोरेटिव होता है मतलब उसको सजाया बनाया जाता है अभी इन सेंस का मतलब समरी की बात करिए प्रोज की समरी क्या होती है भाई इसमें मैसेज या इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और इसमें क्या दिया, दिया जाता है एक्सपीरियंस या इमेजिनेशन दिया जाता है चीज़ें समझ में आ रही है बिल्कुल ओके okay, पर्पज़ की बात करें टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और कन्वे ए मैसेज और इसमें डिलाइट और एजियूम मतलब खुशियाँ मनाना या फिर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना पोएट्री में होती दिया अब देखिए एक और डिफरेंस यहाँ पे देखिए मेजर डिफरेंस यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए क्या वो यहाँ पे सॉरी मतलब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा लेट हो गया मतलब इधर देखिए मेजर डिफरेंस देखिए प्रोज डज नॉट पे अटेंशन टू द रिदिम ठीक है प्रोज में अटेंशन नहीं अब मान लीजिए आपको कोई आ, किताब या चैप्टर पढ़ा रहा है तो वो रिदिम में नहीं पढ़ाता जबकि पोएट्री में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल wonder... ये सब मतलब रिदिम बना के पढ़ाया जाता है ठीक है पोट्री में और इसमें क्या होता है भाई द राइडर यूजअली हैज़ नो वर्ड्स लिमिट प्रोज में द टीचिंग मेथड ऑफ़ प्रोज में कोई वर्ड्स लिमिट नहीं होता कि कितने लिमिट का ही आपका प्रोज होगा जबकि पोएट्री में क्या होता है दोस्तों पोएट्री में

कि एक्सप्लेन द पैराग्राफ ऑफ दिस और यहाँ पे एक्सप्लेन द स्टेंजा कहा जाता था तो पोएट्री में स्टेंजा होता है ठीक है लाइंस चार लाइन मिलके एक स्टेंजा बनाती है जबकि uh, प्रोज में चार लाइन मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं चीज़ें समझ में आ रही है बिल्कुल समझ में आ रही है थैंक यू सो मच अब आइए देखते हैं लैंग्वेज यार यहाँ पर क्या होता है भाई यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज होता है और यहाँ पर क्या होता है मोर डेकोरेटिव होता है चीज़ें समझ में आ गई बिल्कुल अब एक और पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए सेम वही चीज़ कहा गया कि लैंग्वेज यहाँ पर क्या भाई नेचुरल होगी यहाँ पर रिदम होगी रिदम होगी मतलब थोड़ी सी राइम होगी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों अब देखिए सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है सवाल कैसे पूछ सकता है दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है आपसे सवाल पूछ सकता है कि वाट डू यू मीन बाई प्रोस व्हाट आर द टीचिंग मैथड ऑफ अ प्रोस एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम तो प्रोस के बारे में आप बताइए आसानी से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे आप प्रोस के बारे में आसानी से यहाँ से लिख लीजिए ठीक है और टीचिंग मेथड पूछे तो टीचिंग मेथड आप ये देखिए टीचिंग मेथड आपके सामने है ठीक है और एक एक एक्सप्लेन की बात करें तो आप लेक्चर मैथड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा डन अगर आपसे पूछ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पोएट्री व्हाट आर द टीचिंग मेथड ऑफ़ पोएट्री आप वो भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन वन ऑफ देम वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री आप बोलिए आसानी से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे ये रहा आपके सामने ठीक है एक और मैंने यहाँ बताया था कहाँ गया हाँ ये रहा आपके सामने ठीक है और अगर आपसे ये पूछ है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग प्रोज एंड द टीचिंग पोएट्री वो भी आप लिख सकते हैं यकीन मानिए एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो और प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा चाहे आप सीरीज से, से पढ़िए चाहे आप गाइड से पढ़िए चाहे किसी अदर यूट्यूबर से पढ़िए लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़ आप इस वीडियो को सॉरी इस टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा बहुत आसान है कुछ चीज़ें बहुत आसान है खुद रटने वाली चीज़ नहीं है आप समझ जाइए एग्जाम्स में कलम आपके चलेंगे ब्लैक और ब्लू पेन और अच्छा लिख के आएँगे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देख थैंक यू फॉर वॉचिंग कैसी लगी यह जानकारी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जा भारत